गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग। तो अभी टाइम हो चुका है 8 बजा है और जा रहे सीतामढ़ी। ऐसे आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया हो कि आज किस ब्लॉग में आपको हम क्या दिखाने वाले हैं। तो जा रहे सीतामढ़ी और आज आपको जानकी मंदिर का ब्लॉग दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग और मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। और दोस्तों अगर आप कहीं अदर जगह से वहाँ आना चाहते हैं जानकी मंदिर घूमने के लिए, तो आप वहाँ हर चीज़ से आप आ सकते हैं, बाई ट्रेन या बस किसी भी चीज़ से वहाँ आप आ सकते हैं, फ्लाइट कुछ और करके। अगर फ्लाइट से आते हैं किसी अदर स्टेट से अगर आप आते हैं तो आपको दरभंगा या पटना उतरना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको बाई ट्रेन या बस के थ्रू आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स अभी हम सीतामढ़ी में आ चुके हैं माँ जानकी मंदिर। तो चलिए अंदर में और चल के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम मंदिर के अंदर में आ चुके हैं और आप मंदिर के चारों साइड का आप व्यू देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का है। फ्रेंड्स इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, मुझे जहाँ तक पता है और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनके कहने के अनुसार यहाँ पे बहुत साल पहले अकाल पड़ा हुआ था, जब रावण जब यहाँ पे खून का घड़ा लेकर के सीतामढ़ी में जब गाड़ के गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 12 साल का अकाल पड़ा, तो 11 साल अकाल रहने के बाद यहाँ पे 12वां साल जब हुआ तो क्या हुआ, आकाशवाणी हुआ। और उसके बाद जो है आकाशवाणी में कहा गया कि यहाँ के जो राजा है राजा जनक जी, वो हल चला कर के जब जो है यहाँ पे हल चलाएंगे तो बारिश होगा और अकाल ख़त्म हो जाएगा। तो यही यहाँ पे राजा जनक जी यहाँ से हल चलाते हुए पुनौरा धाम गए, तो वहाँ पे जो घड़ा गड़ा हुआ था तो हल जो है घड़ा से टकराया और वहीं पे माता जानकी का जन्म हुआ। उसके बाद बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगा, तो राजा जनक जी माँ जानकी को लेकर के जो है यहाँ पे चले आए और यहाँ पे एक मड़ई था, तो उसी दिन से यहाँ पे नाम पड़ गया सीता मड़ई। और बाद में सीता मड़ई को बदल करके सीतामढ़ी रख दिया गया। साइड साइड से दोस्तों छोटा छोटा मंदिर बना हुआ है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जस्ट सामने जो है सेकेंड गेट है जिससे आप जो दोस्तों एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ से एग्जिट करने के बाद आप जो है उर्विजा कुंड में जा सकते हैं यहीं से। तो वहाँ भी चलेंगे दोस्तों और आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक जो है कुआं टाइप का बना हुआ है और इसमें कुछ ये देख सकते हैं गोएठा इसको बोलते हैं, तो रखा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं उर्विजा कुंड की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं अभी उर्विजा कुंड की तरफ। तो जस्ट सामने रहा ये उर्विजा कुंड और चलते हैं अंदर में और आपको दिखाते हैं। ऐसे अंदर में दोस्तों वीडियो करना अलाउड नहीं है उसके अंदर, तो आपको यहीं से हम आपको दिखाते हैं जूम करके। और ये जो दोस्तों बना हुआ है उर्विजा कुंड, ये पूरा पानी के बीच में बना हुआ है, चारों साइड से पानी है और ये बीच में बना हुआ है। जब बरसात का टाइम आता है तो इस पर पूरा पानी लग जाता है और ये बंद रहता है। फिलहाल अभी पानी सूखा हुआ है और पानी बहुत ही साफ़ सुथरा है और इसमें देख सकते हैं
हमेशा इसमें से साफ सफाई जो इस पानी का होता रहता है। दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा, प्यारा से कोई भी कमेंट कर सकते हैं आप।